जय माता दी। कैसे हैं मेरे प्यारे मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष। आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बरेली अष्टो ज्योतिष में। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं 9 नवंबर से 15 नवंबर तक का साप्ताहिक राशिफल के बारे में जानकारी। मेरे प्यारे मित्रों, आपके लिए ये स्पीच कैसा रहेगा मैं इसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी दूंगा, साथ ही साथ उपाय भी बताऊंगा। मेरे प्यारे मित्रों, जो भी नए जातक आए हैं वे अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो दोस्तों, मेष राशि के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह? ये सप्ताह आपके लिए बिजनेस से जुड़े हुए लाभ के लिए अच्छे संकेत दे रहा है। स्थिति में आपके उतार चढ़ाव भरी हो सकती है। बेफजूल खर्चों से बचने की ही आपके लिए भलाई होगी। मेरे प्यारे मित्रों, इस सप्ताह आपके प्रेम संबंध भी अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के बीच में एक मित्रता के भाव से बने हुए दिखाई देंगे। इस सप्ताह यदि आप मित्रता को निभाते हुए यदि आप अपने जीवन को बिताएं तो आपको अति लाभ होगा। मेष राशि के लोगों के लिए ये सप्ताह उत्तम रहने वाला है तथा भाग्य अंक भी बहुत अच्छा, करीब करीब 90% रहने वाला है। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये था आपका इस सप्ताह का राशिफल। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुरुआती दौर से बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। शिक्षाओं के पहलू से अगर देखें तो उच्च कोटि के आपको यहाँ पर संयोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे वह किसी भी क्षेत्र से पाठ्यक्रम से जुड़े क्यों ना हो, उनको उत्तम लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। निजी संबंधों के लिहाज से भी यह सप्ताह प्रथम भाग से अधिक अनुकूल रहेगा। साथी के मध्य पूर्व विवाद होने से समाप्त होने वाली जो योग बनते हैं उनको भी इस सप्ताह आपको कम कष्ट देता हुआ दिखाई देगा। अर्थात आपके पति पत्नी के संबंध अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शेष भाग में मिश्रित प्रणाम अवधि दिखाई देती है, यानी मिले जुले आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये था आपका इस सप्ताह का राशिफल। दोस्तों, मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कला, संगीत, सौंदर्य, प्रसाधन, तकनीकी चिकित्सा के संबंध के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए योग बना रहा है। आजीविका संदर्भ में भी आपको बहुत लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह के मध्य में आपको वित्तीय उन्नति के सुनहरे मौके दिखाई देते हुए दिखाई देंगे। आपके लिए दिन बुधवार बहुत ही विशेष रहने वाला है। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपने अच्छा संयोग का पूरा फायदा उठाना है और अपनी तरक्की को बहुत आगे तक ले जाना है। अपने माता पिता का आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो ये था आपका साप्ताहिक राशिफल। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भौतिक सुखों के साधन को बढ़ाने में सहयोग देता हुआ दिखाई दे रहा है। भवन व किसी कीमती वस्तु का लाभ भी प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार के जीवन में खुशियों का इजाफा होगा। इस सप्ताह में आपको आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती हुई दिखाई देगी, किंतु शेष भाग में मिले जुले आपको परिणाम दिखाई देते हुए मिलेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप छोटी मोटी परेशानियों को परेशान ना हो और छोटा सा एक उपाय कर लें, चंद्र भगवान को आप अर्घ दें तो उससे आपके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। तो ये था आपका साप्ताहिक राशिफल। सिंह राशि के दोस्तों के लिए ये सप्ताह कार्य व व्यवसाय के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि होते हुए दिखाई देगी। यदि आप रोजगार की तलाश में हैं तो प्रयास को तीव्र करें। इस सप्ताह आपको मनवांछित फल प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंतिम सप्ताह में आपको शैक्षिक संबंधित कुछ आपके एक ऊंचाई होती है उसको मुकाम तक आप पहुंच सकेंगे। निजी संबंधों के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। पूर्व में विवाद यदि कोई चल रहा है तो वो सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है, किंतु सब कुछ अगर देखें तो आपकी स्वास्थ्य पर निर्भर करेगा। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो ये था आपका इस सप्ताह का राशिफल। कन्या राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में मध्य में आपको सामाजिक पकड़ और मजबूत होती हुई दिखाई देगी। क्रय विक्रय से संबंधित क्षेत्रों में आपको निरंतर तरक्की होती हुई दिखाई देगी। आपकी रुचि और परोपकार के कार्यों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। इस सप्ताह आपको राजकीय मान सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। आपकी पकड़ लोगों के बीच में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।
कन्या राशि के लोगों के लिए यहाँ पर सुख साधन की सभी व्यवस्था होती हुई दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंतिम भाग में भौतिक सुखों को जुटाने की प्रयास सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कन्या राशि के लिए भी भाग्य फल बहुत अच्छा है और ये सप्ताह पूरे आनंद के साथ बिताइए। तुला राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह लाभ प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। पूंजी निवेश व विदेश से संबंधित लाभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शत्रु पर आप जो है विजय प्राप्त हो करते हुए दिखाई देंगे। इस सप्ताह के अंतिम भाग में आपका भाग्य और भी प्रबल हो जाएगा। धर्म व परोपकार के कार्यों को आप रुचि अनुसार करते रहिए, आपको बहुत अधिक सफलता प्राप्त होगी। तुला राशि के लोग वैसे भी दिल के साफ होते हैं, इसलिए उनका यह सप्ताह और भी आनंदपूर्ण बीतेगा। मेरी ऐसी कामना है माता रानी से कि आपको किसी भी प्रकार के कोई विवाद नहीं होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह यदि कोई ऋण है तो उसको चुकाने में मशक्कत करनी पड़ सकती है, किंतु सेहत से संबंधित इस सप्ताह के प्रथम भाव में आपको उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। सेवाओं से आप सभी प्रकार की स्थितियों में सुधार ला सकते हैं, इसलिए आप अधिक से अधिक अपने माता पिता की सेवा करें जिससे कि आप सफलता की ओर बढ़ सके। इस सप्ताह में आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे, इसलिए सप्ताह आपका थोड़ा सा नॉर्मल रहने वाला है। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शैक्षिक संबंधों में वांछित तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वह किसी भी तकनीकी क्षेत्र में हों या फिर अन्य किसी क्षेत्र में उनकी तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है। धनु राशि के लोगों का तीर आपके किस्मत के पूरी तरीके से 100% आपके साथ साथ देगा। साथ ही साथ निजी संबंध भी आपके मधुर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और अनेक ऐसे अवसर आएंगे जिससे कि आप अपने संबंधों को और सुधार करते हुए दिखाई देंगे, किंतु मध्य भाग में सप्ताह के आपको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि बृहस्पतिवार को आपको विशेष ध्यान देना होगा। बाकी सब ठीक, माता रानी की कृपा बनी रहे। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह पूर्णतः आपके मनवांछित तरक्की के योग बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। संबंधित सेवा व व्यापार में वांछित तरक्की के योग आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह के मध्य में आपको बौद्धिक स्थिति में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। किसी संस्था द्वारा आपकी प्रतिभा को सम्मानित भी किया जा सकता है, चाहे वह क्रीड़ा क्षेत्र का हो या प्रतियोगिता के संबंध में आप किसी भी तरीके का कार्य क्यों ना करते हों। तो कुंभ राशि के जातकों मकर राशि के जातकों के लिए यह समय उत्तम रहने वाला है। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह रहने सहने में आपकी बार बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। उच्च स्तरीय शिक्षा में आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। सेहत आपकी अच्छी रहेगी, जोश के साथ सभी कार्यों को आप पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको हर प्रकार से लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह सप्ताह आपके लिए नई ऊर्जा नए कार्यों के क्षेत्र के लिए आया है, यद्यपि आपको कार्यों को तय समय पर करना पड़ेगा। आपका यह सप्ताह मंगलमय रहे ऐसी मैं कामना करता हूँ। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अधिक प्रखर होने का है। स्वजनों के मध्य तालमेल बैठाकर चलें। सामाजिक जीवन में आप अधिक कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह आपको उन्नति के आसार हैं, इसलिए आप प्रयत्न करें, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सेहत का आपने ध्यान रखना है और ओम चंद्रमसाय नमः का आपने जाप करना है। साथ ही साथ मंगलवार को हो सके तो ओम अंगारकाय नमः का जाप भी अवश्य कर लें। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो आप अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।